बहुत जगह आप दुर्गा मंदिर देखे हैं। दुर्गा तो वही है, लेकिन मनुष्य का बुद्धि अलग अलग है। जहां वैष्णव लोग की संख्या ज्यादा है तो वहां वैष्णवी दुर्गा बनते हैं, वहां बलि नहीं पड़ता है। जहां खाने पीने वाले की संख्या ज्यादा है तो वहां लोग बलि देते हैं, नहीं नहीं यहां पर बलि चढ़े। दुर्गा वही है, लेकिन लोग कहीं वैष्णवी बना दिए हैं तो कहीं साक्षी बना दिए। लेकिन रामचरितमानस का पाठ दोनों जगह लोग करते हैं, जहां वैष्णवी दुर्गा है वहां भी, और जहां बलि देते हैं वहां भी। जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हुआ वहां पर रामायण पाठ 24 घंटा। मूर्ति जो बनाते हैं, मूर्ति जो दुर्गा माँ का बनाते हैं, मूर्ति बनाने वाले भी आप और हमारे जैसे ही लोग हैं। वो कोई सत्संगी नहीं है, लेकिन मूर्ति बनाने की कला है। मूर्ति भी बनाते हैं, थर्ड स्ट्रिंग भी मारते हैं। चल अब लक्ष्मी जी बनने के लिए सरस्वती में हाथ लग गई छू, ठीक छोड़ो। मूर्ति बनाकर के मूर्ति कलाकार तो चले जाते, लेकिन उस मूर्ति में प्रणाम देने के लिए आते हैं पंडित जी। मूर्ति में प्रणाम देते हैं, यहां तक तो अच्छी बात है, आप मंत्रों द्वारा उसमें प्रणाम दे देते हैं, धन्य है पंडित जी। लोग साक्षात मां भगवती दुर्गा समझ करके लोग अपने भाव से पूजा भी करते हैं। प्राण दे देना यहां तक भी तो धर्म की बात है, लेकिन अधर्म कहां है? वही पंडित जी मूर्ति में प्राण देते हैं, जबकि मूर्ति में प्राण नहीं है, उसमें मिट्टी है, बांस का बत्ती है, कलकतिया रस्सी है, धान का पुआर है, ऊपर से पेंट है, डाक पंडित है, चकाचक है। पंडित जी मूर्ति में प्राण नहीं है तो मंत्रों द्वारा प्राण दे देते हैं, लेकिन जिस पाठा में प्राण है उसका फुलास करके प्राण ले लेते हैं। विचार लेकिन आप लोगों ने कहीं कभी चिंतन किया कि अधर्म हो रहा है? मिट्टी की मूर्ति में प्राण देते हैं, जिस पाठा में प्राण है उसका फुलास करके प्राण लेते हैं। 24 घंटा रामायण पाठ, जहां भगवान राम भरत जी को धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनो गरिसा। जहां भगवान राम समझा रहे हैं, उसी रामचरितमानस का दुर्गा मंदिर में पाठ भी कर रहे हैं, अधर्म भी कर रहे हैं। 24 घंटा रामायण पाठ, 24 घंटा रामायण पाठ, 10वें दिन पठवा काट, पठवा काट। इतने बड़े अधर्म को जब कबीर साहब ने देखा तो कबीर साहब ने कहा, ब्रह्मन भया तो का भया, बांधे कान में सूत, अब भजन भेद जमने नहीं भय जंगल का भूत। ब्रह्मन उसे कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं,
सबके अंदर जो ब्रह्म का दर्शन करते हैं वही ब्रह्मन है। ब्रह्मन उसे कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान भजन करते हैं, रामायण गीता वेद शास्त्रों का पाठ करते हैं, ब्रह्मन उसे कहते हैं। ब्रह्मन उसे कहते हैं जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। ब्रह्मन उसे कहते हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं। ब्रह्मन उसे कहते हैं एक ब्रह्म के चिंतन में 24 घंटा लगे हैं। ब्रह्मन उसे कहते हैं जिसका जिभ्या स्वाद कंट्रोल हो। ऐसा नहीं मूर्ति में प्राण देते हैं और जिसमें प्राण है उसका प्राण ले लेते हैं। सज्जनों, रामचरितमानस हम लोगों को इस संसार में धर्म पर चलने की राह बतलाते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मनुष्य शरीर में है तो बढ़िया भोजन करें, बढ़िया भजन करें, मुंह से बढ़िया वचन निकालें। बहुत जगह आप दुर्गा मंदिर देखे हैं। दुर्गा तो वही है लेकिन मनुष्य का बुद्धि अलग अलग है। ऐसा श्रुति, ऐसा ग्रंथ, ऐसा संत कहते हैं मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य को अहिंसक होना चाहिए, अहिंसक रहना चाहिए। ये रामचरितमानस मनुष्य को जीने के लिए कितना सुंदर रास्ता बतलाता है। आज बहुत जगह लोग धर्म का चादर ओढ़ करके भी अधर्म कर लेते हैं। बहुत जगह आप दुर्गा मंदिर देखे हैं। दुर्गा तो वही है लेकिन मनुष्य का बुद्धि अलग अलग है। जहां